गति 120 शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हों और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ ना देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ कि क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फ़र्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोज़ाना के उपयोग की चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही है। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है, उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है, काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएं कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है, इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नए नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं, इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपये प्रति मील
और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपये प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज़ लाई गई तो इस बात की जांच हुई, जिसमें कुछ करोड़ रुपयों की बचत हुई है। अगर सब मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी। जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपये की छूट करों में देकर हम पर एहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का लाभ करा रहा हूँ। आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनकी दरें भी बढ़ रही हैं, या दरें बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता। इसलिए या तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। ठेकेदार आपके विभागों के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूँ, उसको न आप बंद कर सकते हैं और न मैं बंद कर सकता हूँ और न लोग। स्टॉप।